तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूं। हमको पढ़ना है आज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, या शॉर्ट में बोले तो टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप में आपको ध्यान ये रखना है कि हम लोग बहुत दूर से आने वाली रेज को इकट्ठा करके इमेज बनाते हैं। तो दूर से आने वाली जो रेज है वो हमेशा फोकस पे मिलती है, और चूंकि वो बहुत डिमिनिश्ड होती है तो उनको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने के लिए जो हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस लेते हैं वो बड़े अपर्चर का लेंगे और उसकी फोकल लेंथ भी ज्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम में बहुत ध्यान रखिएगा, इससे बहुत गलती होती है। आपको पहले एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाना होगा जो आप हमेशा ये कोशिश करेंगे कि बड़े अपर्चर का बने और इसका फोकल लेंथ भी आप ज्यादा रखेंगे। उसके बाद इसके ऊपर जो आप लाइट रेज भेजेंगे वो पैरेलल नहीं भेजेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं यहाँ से आप लाइट रेज, जैसे कोई चीज आपको देखनी है दूर की, तो आप हमेशा यहाँ से तिरछा ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको लाइट रे एकदम इसके पास से भेजनी है, ऐसे लगभग पैरेलल, ऐसे ये वाली। इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत बना तो आपका आगे पूरा डायग्राम गलत होगा। तो आपने ये बनाया, ये लाइट रे आ रही है मान लीजिए अल्फा एंगल पर, और यहां से इसके पैरेलल एक लाइट रे और आ रही है, तो ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं, ऐसे आई। तो आप जान रहे हैं जो पैरेलल रेज होती हैं वो हमेशा फोकस में मिलती हैं। ये आपस में पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये फोकस पर ना मिलकर फोकल प्लेन पर मिलेंगी। तो जहां पर ये मिल रही है वहां पर आपका फोकल प्लेन हो गया ये, ठीक यहां पर ये लगभग मिल रहे हैं। अब खास बात क्या है कि जो इसके बाद जहां पर ये मिली, ये तो आपकी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। अब ये जो इमेज है वो इसके लिए तो इमेज है, लेकिन जो अगला लेंस है आई लेंस, उसके लिए क्या है ये? उसके लिए है ये ऑब्जेक्ट। तो ये मैं आपसे मैं कह रहा था बार बार कि आप ध्यान क्या रखेंगे कि इसके बाद जब लाइट रे जाएगी इसके आगे, तो यहां पर आपको आई लेंस बनाना है। तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत बड़ा बनाना पड़े, क्योंकि ये हमेशा इससे छोटा होता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, लाइट जो थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं किए रहते वो बच्चे क्या करते हैं कि पहले दोनों लेंस बना लेंगे, ये भी बना लेंगे और ये भी बना लेंगे, और लाइट रेज भी ध्यान नहीं देंगे, किसी भी एंगल भेज देंगे, तो ये बड़ी इमेज यहाँ बना देते हैं। तो अब उसको कवर करने के लिए ये बड़ा लेंस चाहिए होगा, तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो कोशिश ये करिएगा कि इसको जो इंसिडेंट रे ये वाली है, ये वाली, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास से भेजिए ऐसे, तो आपकी ये इमेज बड़ी भी बनेगी और दूर भी बनेगी, और इस लेंस को आपको बहुत बड़ा भी नहीं बनाना पड़ेगा फिलहाल। तो ये जो ए डैश बी डैश है इसकी दूरी ऑब्जेक्टिव से फिक्स है कि वो हमेशा फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव के बराबर होगी। अभी क्यों फिक्स है? क्योंकि पैरेलल रेज हमेशा फोकस में मिलती है, तो आपकी ये दूरी आपको सॉल्व नहीं करनी है कभी भी, ये फिक्स है कि ये ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ के बराबर होगी, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। अब यहाँ पे जब लाइट रेस पहुंचेंगी, देखिए इनका नेचर डाइवर्जिंग है। अब ये आई लेंस है, ये आपका आई लेंस है। आई लेंस क्या होता है? जिसके थ्रू आप फाइनल इमेज देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव वो लेंस होता है जो आने वाली रेस को पहले ग्रैस करता है, कलेक्ट करता है। अब यहां पर ये आई लेंस आप ई लिख लीजिए। अब इसको इससे मिला लीजिए, यहाँ से ऐसे, पहले इसको ऐसे मिला लीजिए, पीछे एक्सटेंड कर लीजिए। अब ये जो दोनों लाइट रेज हैं यहाँ से, चूंकि अभी यहाँ जाने के बाद ऐसे डाइवर्ज होंगी ऐसे, तो इनको भी आप पीछे ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर आपकी ये फाइनल इमेज बनी ए डबल डैश बी डबल डैश, और ये आप कहेंगे कि ये लाइट रेज आगे जाकर नहीं मिल रही है, पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ मिली, ये आपकी फाइनल इमेज बनी। तो क्या क्या गलती होती है मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। अगर आपने इस लेंस को बनाया यानी ऑब्जेक्टिव को और इसको बहुत छोटा बनाया तब भी गलत होगा, बड़ा बनाएंगे खासकर रेस को प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पास से भेजेंगे ऐसे, तो ये इमेज बड़ी बनेगी और इसके फोकस के अंदर रहनी चाहिए। तो इसका जो आई लेंस का फोकस है एफ ई, इसके अंदर है आपका ए डैश बी डैश। तो ये इमेज है ऑब्जेक्टिव के लिए
और आई लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। फाइनल इमेज है आपकी ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसके द्वारा आई लेंस पर बनने वाला एंगल है बीटा। अब आपको सॉल्व करना है इसका मैग्नीफाइंग पावर। कुछ दूरियां समझ लीजिए, ये वाली दूरी है आपकी एफ ओ, ये वाली डिस्टेंस है आपकी यहां से यहां तक की यू ई, यानी आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफाइंग पावर एम इक्वल टू फाइनल इमेज के द्वारा आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल बीटा डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा सीधे आंख पर बनाया गया विजुअल एंगल। अब जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल यहां भी बनेगा। जैसे आप देखिए मून को देख रहे हैं या सन को देख रहे हैं, तो हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर दूर है वो, बहुत दूर है। अब वहां से जितना एंगल यहां बन रहा है उतना एंगल यहां भी बनेगा, क्योंकि ये दूरी 1 मीटर से भी कम है। तो अल्फा ये वाला एंगल आप यहां लिखेंगे। अब छोटे एंगल के लिए, अगर एंगल छोटा हो तो थीटा और टेन थीटा इक्वल होता है, तो आप इसके साथ टेन लगा सकते हैं, टेन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई टेन ऑफ अल्फा। टेन बीटा की वैल्यू देख लीजिए, ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई में टेन ऑफ बीटा विल बी ए डैश बी डैश, एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश अपॉन ये वाली दूरी यू ई। यू ई का मतलब आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की दूरी। और टेन अल्फा देख लीजिए, ट्राइंगल ओ ए डैश बी डैश में ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं आप जानते हैं, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। टेन अल्फा निकालिए, टेन अल्फा कितना आएगा? टेन अल्फा आएगा ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ। अब आप डिवाइड करेंगे टेन बीटा और टेन अल्फा की वैल्यू रखेंगे, टेन बीटा कितना है? ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई इंटू टेन अल्फा कितना है? ए डैश बी डैश अपॉन एफ ओ, ए डैश बी डैश कैंसिल, तो आपका मैग्निफिकेशन आ गया एफ ओ अपॉन यू ई। अब आपको इसके आगे बहुत कुछ जान लीजिए, आपने सॉल्व कर लिया, बहुत कम कैलकुलेशन और करने हैं। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, रेज आप भेजेंगे, फाइनल इमेज ये बनी, इसके द्वारा इससे बनेगी ये, तो आपकी फाइनली ये इमेज बनी है जो कि इससे बनी है, ये इसकी इमेज है, यहाँ पे आपका एक तरह से वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो मैग्निफिकेशन आपका आया एफ ओ अपॉन यू ई। अब एफ ओ तो फिक्स है, ये तो इसकी फोकल लेंथ है, वो तो फिक्स है। यू ई को आप घटा बढ़ाकर मैग्निफिकेशन को ज्यादा कम कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद दो केस हैं, दो एक्सट्रीम केस हैं। देखिए जो हमारी सही आंख है जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, वो मैक्सिमम जो इमेज की दूरी देख सकता है वो 25 सेंटीमीटर है। तो हमेशा हमको दो केस पढ़ने हैं, पहला व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरा व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। तो पहले लेते हैं कि जब फाइनल इमेज इंफिनिटी बने, अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, अगर ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, तो ये जो ए डैश बी डैश है यहीं पर इस आई लेंस का फोकस भी होगा, क्योंकि फोकस पर होने पर इमेज इंफिनिटी बनती है। तो उस केस में जो मैग्निफिकेशन आएगा उसकी वैल्यू होगी एफ ओ अपॉन यू ई की जगह एफ ई, और चूंकि आपने ये सबसे बड़ा लिया है, यू ई को सबसे बड़ा लिया है एफ ई के बराबर, तो यहां से जो मैग्निफिकेशन आ रही है वो मिनिमम आएगी, उसकी वैल्यू होगी एफ ओ अपॉन एफ ई। और केस टू में आप बोलेंगे जब फाइनल इमेज कहाँ बने? डी की दूरी पर। तो अगर आप फाइनल इमेज को डी के इक्वल करेंगे तब क्या फॉर्मूला बनेगा वो देख लीजिए। अगर आप फाइनल इमेज को डी के इक्वल करेंगे तो 1/v की जगह हो जाएगा माइनस डी माइनस 1/-ue इक्वल टू 1/fe। तो यहां से 1/ue की वैल्यू आएगी 1/fe प्लस 1/d, और आपको यहाँ पे 1/ue ही चाहिए, तो आपका मैग्निफिकेशन का उस केस का फॉर्मूला हो जाएगा एम इक्वल टू एफ ओ अपॉन यू ई को 1/ue लिख लीजिए, और 1/ue की वैल्यू यहां से लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा एफ ओ इंटू ब्रैकेट में 1/fe प्लस 1/d। तो ये आपका मिनिमम दूरी थी, यू आपने लिया है सबसे कम, तो ये आपका मैग्निफिकेशन आ गया मैक्सिमम, एफ ओ इंटू 1/fe प्लस
वन अपॉन डी। ध्यान ये दीजिएगा, जैसे ये दोनों लेंथ हैं तो उनके जो बीच की टोटल दूरी थी वो थी इसकी लेंथ। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है एफ ओ का मॉड प्लस यू ई का मॉड। और यू ई आपको पता ही है, एक केस में यू ई की वैल्यू एफ ई है और इस वाले केस में यू ई की वैल्यू, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एफ ई इंटू डी अपॉन एफ ई प्लस डी आएगा। अब ये तो पूरा मैंने आपको पूरा बता दिया कि कहाँ पर रेज बनेंगी, कैसे होगा। अब आपको क्या करना है, पहले तो आपको ये पूरा डेरिवेशन तैयार करना है डायग्राम बनाकर। इसमें जो सबसे बड़ी गलती होती है वो इसके डायग्राम में ही होती है। तो इसका डेरिवेशन आपको करना है, प्लस इसका कम से कम आपको चार न्यूमेरिकल लगा के जाना है मैग्नीफाइंग पावर का। ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसकी लेंथ का भी सवाल पूछा जाता है। तो इतना लगा लीजिएगा, ये मोर देन इनफ है। इतने से आपका कम से कम सवाल तो लगेगा, आप इसका सवाल आ जाएगा तो छोड़ के तो नहीं आएंगे, कुछ लगाएंगे तो इतना पढ़ के जाएंगे आप।